इस वीडियो में हम एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम यानी नज्म। पोएम का क्या मतलब होता है? नज्म, बिल्कुल ठीक। इस पोएम का नाम है टू लिटिल आईज, यानी दो छोटी आंखें। टू लिटिल आईज यानी दो छोटी आंखें। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देखिए, ये बच्चा किस तरफ इशारा कर रहा है? अपनी आंखों की तरफ। क्या आप भी इशारे से बता सकते हैं कि आपकी आंखें कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही इशारा किया, शाबाश। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं। टी डब्ल्यू ओ टू, टू यानी दो। टू का क्या मतलब है? दो। एल आई डबल टी एल ई लिटिल, लिटिल यानी छोटी, लिटिल यानी छोटी। ई वाई ई एस आईज, आईज यानी आंखें, आईज यानी आंखें। टी ओ टू, टू यानी के लिए। टू का क्या मतलब है? के लिए। एल डबल ओ के लुक, लुक, लुक यानी देखना, लुक यानी देखना। और अगर लुक से पहले टू आ जाए तो इसका मतलब होगा देखने के लिए। टू लुक का क्या मतलब है? देखने के लिए। अब अगला लफ्ज ए आर ओ यू एन डी अराउंड, अराउंड यानी इर्द गिर्द, अराउंड यानी इर्द गिर्द। और आखिर में ये जो निशान है इसे क्या कहते हैं? यह है एक कॉमा। ये क्या है? कॉमा। और इसका मतलब होता है कि यहां हमने थोड़ी देर के लिए रुकना है और बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बाकी की बात इसके बाद आएगी। अब यहां देखिए, ये जो निशान है इसे ब्रैकेट कहते हैं, और यहां आखिर में भी एक ब्रैकेट है और इसके बीच में कुछ लिखा है। इसका मतलब है यहाँ जो कुछ भी लिखा है उसका ताल्लुक इस नज्म से नहीं है, बल्कि ये बात इसके अलावा कही गई है। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। पी ओ आई एन टी पॉइंट, पॉइंट यानी इशारा करें, पॉइंट यानी इशारा करें। टी ओ टू, टू की तरफ यानी की तरफ। वाई ओ यू आर यानी अपनी, वाई ओ यू आर योर यानी अपनी। योर का क्या मतलब है? अपनी। ई वाई ई एस आईज, आईज यानी आंखें। ई वाई ई एस क्या बनता है? आईज यानी आंखें। और आखिर में क्या है? एक फुल स्टॉप, यानी ये बात यहाँ मुकम्मल हो गई है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? इशारा करें अपनी आंखों की तरफ, क्योंकि इस पोएम के इस हिस्से में आंखों के मुतालिक बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंखों के मुतालिक क्या कहा जा रहा है। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, यानी दो छोटी आंखें इर्द गिर्द देखने के लिए। जब इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि अल्फाज की तरतीब और तादाद कम या ज़्यादा भी हो जाती है या बदल दी जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बात का मतलब वही रहे और बात अच्छी तरह समझ आ जाए। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। टू लिटिल आईज टू
लुक अराउंड यानी दो छोटी आंखें इर्द गिर्द देखने के लिए। चलिए अब मैं एक मर्तबा फिर पढ़ूंगी और फिर आप इसका मतलब बताएंगे। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक, दो छोटी आंखें इर्द गिर्द देखने के लिए। शाबाश। तो अब आप ये बताइए कि हम आंखों की मदद से क्या काम लेते हैं? आंखों की मदद से हम अपने इर्द गिर्द या आसपास देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर हम आंखें बंद कर लें तो क्या होगा? हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें देखने के लिए आंखें दीं। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए, ये बच्चा किस तरफ इशारा कर रहा है? अपने कानों की तरफ। क्या आप भी इशारे से बता सकते हैं कि आपके कान कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही इशारा किया। शाबाश। चलिए अब मिलकर नज्म पढ़ते हैं। TWO 2 यानी दो, टू यानी दो, LITTLE लिटिल यानी छोटे, यहाँ लिटिल का मतलब होगा छोटे, लिटिल यानी छोटे, EARS ईयर्स यानी कान, ईयर्स यानी कान, TO2 यानी के लिए, टू यानी के लिए, HEAR हियर यानी सुनना। और अगर हियर से पहले टू आ जाए तो ये बन जाएगा सुनने के लिए, टू हियर सुनने के लिए। टू हियर का क्या मतलब है? सुनने के लिए। अगला लफ्ज EACH ईच यानी हर, जैसा कि हम कहते हैं जैसे हर एक चीज, तो ईच का मतलब है हर। क्या मतलब है? हर। SOUND साउंड, साउंड यानी आवाज। साउंड का क्या मतलब है? आवाज। बिल्कुल ठीक। और ये क्या निशान है? कॉमा। और इसका क्या मतलब है? कि यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकना है। शाबाश। और बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। और चलिए अब देखते हैं ब्रैकेट्स में क्या लिखा है। POINT पॉइंट यानी इशारा करें, TO2 यानी की तरफ, YOUR योर यानी अपने, EARS ईयर्स यानी कान। इशारा करें अपने कानों की तरफ, क्योंकि नज्म के इस हिस्से में कानों के मुतालिक बात हो रही है। क्या बात हो रही है? चलिए मिलकर देखते हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड यानी दो छोटे कान हर आवाज को सुनने के लिए। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। दो छोटे कान हर आवाज को सुनने के लिए। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड। और अब आप इसका मतलब बताइए।
बिल्कुल ठीक। दो छोटे कान हर आवाज को सुनने के लिए। और यहां भी उर्दू तर्जुमे में अल्फाज की तर्तीब बदल जाएगी ताकि बात का मतलब वही रहे। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि हम कानों की मदद से क्या काम लेते हैं। कानों के जरिए हम आवाजों को सुनते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर हम अपने कानों को बंद कर लें तो हमें कोई आवाज नहीं आएगी या फिर बहुत हल्की आवाज आएगी। और ऐसे में अगर हमसे कोई बात की जाए या कुछ पूछा जाए तो फिर हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो इसका भी मतलब यह है कि कान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो हम अपने कानों के लिए किसका शुक्र अदा करेंगे? अल्लाह का। शाबाश। अब हम नज़्म के बाकी हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। नज़्म के इस हिस्से को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।